बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे फ्रूट सैलड, जिसके लिए हमें ज़रूरत है एक क्रीम का डब्बा, उसके साथ ये मैक्रोनी जो कि हमने बॉईल कर ली थी, सम मैंगोस, सम एप्पल्स एंड सम पीच। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और फ्रूट अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और ये हमने कुछ चीनी ग्राइंड कर ली है ताकि इसकी मिठास कम या ज़्यादा कर सकें। तो इसके अलावा हमारे पास ये कुछ ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, ये भी हम इसके अंदर जायके के लिए डालेंगे। सबसे पहले ये एक क्रीम का डब्बा लेंगे, इसको हम सारा इसके अंदर जो है वो निकाल लेंगे। ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक चम्मच जो है इसका बड़ा खाने वाला नहीं, ये इसके पास हमारे पास ये एक चम्मच अवेलेबल है। इसको हम इसके अंदर डाल के बाउल के अंदर इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर अवेलेबल हो तो बीटर के साथ भी बीट किया जा सकता है। ये देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरह से ऐसे हम इसको बीट करते जाएंगे। आम जुबान में इसको फेंटना भी कहा जाता है, इसको फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर कोई इसके लम्स ना रह जाएं। अभी इसके अंदर जो है हम हस्बे जायका एक और ये दो टेबलस्पून ब्लेंड की हुई चीनी के डालेंगे। ये हमने क्रीम को जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अभी जो है इसके अंदर आप चाहें तो मिठास देख सकते हैं, अगर आपके जायके के मुताबिक हो तो ठीक है, नहीं तो इसको ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये जो हमने फ्रूट्स क्यूब कटिंग की हुई है फ्रूट्स की, आप देख सकते हैं कि फ्रूट को बिल्कुल बारीक नहीं कटिंग करनी। आप एप्पल का भी देख सकते हैं कि क्यूब कटिंग की हुई है। ये देख सकते हैं मैंगो की भी हमने बड़े बड़े क्यूब्स किए हैं। अगर इनके छोटे करेंगे तो ये जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनका हलवा टाइप बन जाएगा आपके सैलड के अंदर। ये मैक्रोनी आपको बताया कि बॉईल करके रखी हुई। अभी हम सारे फ्रूट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी चीज़ों के अंदर जो हैं वो ऐड इसके अंदर क्रीम के अंदर ऐड करते जाएंगे आराम आराम से। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ किया करें, बर्तन में जायका पैदा होता है इस तरह से, और आपके खानों में भी बरकत होती है। हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाल के इसको मिक्स करते जाना है ताकि हमें मिक्स करने में मुश्किल ना पेश आए, इसीलिए ये हम अभी इसके अंदर अपने मैंगोज़ को ऐड करेंगे। और अभी ये हमने अपनी मैक्रोनी जो कि बॉईल करके रखी थी ये आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम को बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करेंगे तो आपके काम में बरकत आएगी, अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो मिक्स करते जाएंगे ताकि करीम जो है वो सब फ्रूट्स के ऊपर मिक्स हो जाए। अभी हमने आलू बुखारे की इसके ऊपर डेकोरेशन की है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा जो ड्राई फ्रूट था हम इसके ऊपर इसको गार्निश करेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और खाने की खूबसूरती ही सबसे बेहतरीन चीज़ होती है, आपके हाथों का जायका और खाने की खूबसूरती। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख सकते हैं कि हमारा सैलड जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।